मूर्ति बोल श्री रामचंद्र की जय, भगवान की जय, बोल सीता मैया की जय, बोलो हम सब की पंचना मैया की जय।
Thank you.
वन रेडी रोल एक्शन ओके जयवर रामचंद्र की जय और सुधा रमन की जय और सीता मैया की जय और हम सब की पासपोर्ट मैया की जय बच्चे लोगों का एक करने का हमारे सिवारी सभी लोग जो फाइनेंशियल है रखी है।
उस टीम एक लेके चलें आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं दीवानी फिल्म को, लोग आगे बढ़ें और मेरी जो इच्छा है उनके साथ माँ कृपा करें, उनको आगे बढ़ते रहें। सर राजनीति की बात करें तो कांग्रेस छोड़कर के आप बीजेपी में आए, कहीं ना कहीं कांग्रेस मुक्त भारत में आप भी शामिल हुए। ऐसा है कि जब हमारे देश में जब नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पूरी लहर दौड़ी, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एक छोटे से लेकर के बड़े तबके के लोगों ने देश में बनने का जो नारा दिया है, सिद्धांत दिया है, उसके लिए मैं बीजेपी को बधाई देता हूँ। कांग्रेस मुक्त का नारा तो कांग्रेस खुद मुक्त होने पे लगी हुई है, क्योंकि तो जिस तरह से उनका 47 से आज़ादी के बाद से ठीक लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं तो तोड़ते चले गए, हमारे देश को बांटते चले गए। जहाँ पे हम थे, जो हमने कब्जा करके रखे थे, उस चीज़ को उन्होंने छोड़ते गए, किसी ने किसी को देते गए, जो मतलब बढ़ावा देते चले गए, उसमें हमारे कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तान छोटा बनता गया। सर बात चाइना हो वहाँ से छोड़ दिए, पाकिस्तान हो वहाँ से छोड़े, हर एक जगह छोड़ करके हमारे देश को जो एक जमाना था, इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना, और आज हमारा ही देश हमारे यहाँ के उत्तर में हमारे हिंदुस्तान की जनता फिर से अपने कामयाबी की निशाने पे चल रही है, कि फिर से हमें उसी देश को सोने की चिड़िया बोला जाए, पूरा देश उसकी। इसके लिए कार्य कांग्रेस मुक्त भारत करना पड़ेगा। ये सर आखिरी सवाल आपसे, आप उत्तर भारतीय समाज से मिलान रखते हैं और बड़े नेता भी कहलाए जाते हैं उत्तर भारतीयों के, तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहा है, तो क्या भूमिका होगी आपकी और उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी आएगी? हमारी उत्तर प्रदेश में लड़ाई है, मैं ये नहीं बोल, लड़ाई है, हमारी पूर्वांचल में भूमिका बनेगी। माथुर जी से बात की, उन्होंने मुझे बोला कि आपको पूर्वांचल में। रमेश जी एक आखिरी सवाल चलते चलते, आपने एक सीएम का कार्यक्रम लिया था जिसमें आपने कहा था कि उत्तर भारतीयों को केवल सम्मान चाहिए और कुछ नहीं, और उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया कि हाँ केवल सम्मान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, मतलब उनका सीधा सीधा कहना था कि टिकट विकट मत मांगना। नहीं, हमने मांगा नहीं, कुछ नहीं मांगा, आज तक नहीं मांगा किसी से। हमारा काम मांगने का नहीं, हमारा काम देने का। हमारे देश के जो उत्तर भारतीयों की जनता मांगती नहीं, अपने हक से लेती, उनको देना पड़ा, हमें नहीं देना। नहीं नहीं, वो कहने का मतलब ये था उनका सीधा कि वो टिकट मत, रमेश सिंह टिकट मत मांगा। मैंने एक भी चीज़ नहीं मांगा, मैं अपने लिए ही नहीं मांगा, मैं दूसरों को मांगा। जो उनको देख रहा था उत्तर भारतीयों की शान को देख रहा था, मैंने देखा, बोला सर ये शान हमारे उत्तर भारतीयों की शान, उनको सम्मान चाहिए, बाकी नहीं कुछ चाहिए। और आज हमारे सब लोग कैपेबल है, अपने जगह अपने मेहनत से जीत दिखा, किसी से भीख नहीं मांगते। अगर कोई एक भाजी वाला भी बेचता है, ना कि किसी से भीख मांगता है, चाहे फेरी करता है, चाहे दूध वाला, चाहे मच्छी वाला, सब लोग अपने बलबूते पर खड़े हैं, किसी से मांगते नहीं है। वो सब लोग टैक्स पेयर मुंबई के, मुंबई में भरते हैं, वो अपने पे कैपेबल है, उनको सिर्फ एक सम्मान और इज्जत का हुआ है कि भाई हमें मान और सम्मान मिले कहीं, ये चीज़। धन्यवाद सिंह जी आए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी गर्व की बात है अपना समय निकाल के। और इसकी दीवाना के लिए मैं यही चाहूँगा कि हर आदमी बोलता है सुपर हिट फिल्म, लेकिन मैं हक से बोलता हूँ एक सुपर हिट फिल्म है, और मैं चाहता हूँ रमेश सिंह जी से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सभी लोगों से कि इस फिल्म को या कोई भी भोजपुरी फिल्म को मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ करने का मौका दिया जाए, जैसे मराठी फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ हो रही है, वैसे इसको भी भोजपुरी को बढ़ावा दिया जाए और मल्टीप्लेक्स में इसको रिलीज़ करने का मौका दिया जाए। क्योंकि सभी फिल्में आज महाराष्ट्र लेवल की इतनी बड़ी फिल्में बिजनेस कर रही है, लेकिन एक भोजपुरी है जो टूटती हुई नजर आ रही है। तो मैं इस बारे में रमेश जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं चाहूंगा और लोगों से अपील करूंगा कि इस चीज़ को थोड़ा बढ़ावा देवे। मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा, लोगों के करने से सब कुछ होगा। और जैसे मीडिया है, मीडिया भी चाहता हूं मैं, मीडिया भी दिखावे, क्योंकि भोजपुरी फिल्म ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग हैं, यूपी वाले सारे जगह लोग हैं, लेकिन ये फिल्म को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। फिल्म पता नहीं क्यों जो है थोड़े में ही टूट जा रही है। तो मेरा कहना ये है कि फिल्म को थोड़ा बढ़ावा मिले, फिल्म अच्छी चले और लोगों को तक आप लोग भी पहुंचाइए थोड़ा सा, हम चाहते हैं। तो ठाकुर रमेश जी के माध्यम से आप मुख्यमंत्री को लेटर देने वाले हैं मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी फिल्म लाने के लिए? सर बिल्कुल, रमेश सिंह जी का अगर बोले तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक सवाल सिंह साहब, एक बहुत बड़ा सवाल बन गया, भोजपुरी फिल्म को मल्टीप्लेक्स में लाने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जरूरत इनको है, तो किस प्रकार का सहयोग है? अगर पार्टी में गया हूँ तो मैं कहीं भी उत्तर भारत में चाहे भोजपुरी फिल्म चाहे कहीं, जब सही बात है कि भोजपुरी फिल्मों को मल्टीप्लेक्स में लाना चाहिए भाई, आज जो है भोजपुरी फिल्में गिरती चले जा रही है। आज एक हिंदी फिल्म चली
जितना बढ़ावा उसको मिला, तमिल फिल्म चले उसको बढ़ावा मिला, मराठी फिल्म सर सैराट चली अभी उसको कम से कम 200 करोड़ का बिजनेस की, पूरी फिल्म है उसको भी आगे बढ़ाए बढ़ाओ जाए। आज हमारे उत्तर भारत में संख्या हमें ज़्यादा है मुंबई में, मुंबई सर आर ओवर वर्ल्ड में उत्तर भारतीयों की जनसंख्या आर ओवर वर्ल्ड में है, लेकिन हम लेकिन यहाँ पे रखे पहले मुंबई में। हाँ सर, महाराष्ट्र में, मुंबई नहीं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पहला जो है इसको बढ़ावा दिया जाए और मल्टीप्लेक्स में इसको रिलीज किया जाए। मैं सभी लोग से यही चाहता हूँ, आप लोग मीडिया लोग से भी हाथ जोड़ के मेरी अपील है, इस जो है भोजपुरी को कैसे भी करके चैनल के थ्रू कहीं पे भी आप लोग इसको दिखाइए और बोलिए कि कम से कम इसको मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ करें लोग। मल्टीप्लेक्स में अगर फिल्म रिलीज़ होती है तो थोड़ी सी फिल्म को ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा भोजपुरी का बढ़ावा आएगा और अच्छे से बढ़ावा आएगा और लोग जो है उस चीज़ को देखेंगे लोग। सर मल्टीप्लेक्स की बात कर रहे हैं आप, तो भोजपुरी के फिल्मों पर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि अश्लीलता परोसते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें तो सभी करते हैं लेकिन थिएटर के अंदर जाने के बाद वही परोसते हैं जो उनको परोसना होता है, उस पर क्या कहेंगे? सर अश्लीलता बंद की जाए, मेरे हिसाब से अश्लीलता बंद की जाए तो ठीक है, मल्टीप्लेक्स में रिलीज करनी है ठीक है, लोगों को जितने भी प्रोड्यूसर भाई हैं हमारे और डायरेक्टर भाई हैं सबको अपील की जाए कि भाई जो है भोजपुरी एक अच्छी मूवी बनाई जाए, अश्लीलता उसमें ना लाई जाए। लोगों के दिमाग में रहता है कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं वही भोजपुरी फिल्म देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से अच्छी फिल्म बनाई जाए तो सारे लोग देखेंगे। मराठी फिल्म मैं खुद सैराट देखने के लिए गया था क्योंकि अच्छी फिल्म बनी थी, तो जो फिल्म अच्छी बनी थी। भारत सरकार ने भोजपुरी फिल्मों को एक बड़ा कदम दिया है, एक सहूलियत दी है, एक यहाँ पे एग्जीबिशन लगाने वाली है भारत सरकार जहाँ पे भोजपुरी फिल्में दिखाई जाएंगी और न बल्कि दिखाई जाएगी, उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। तो भारत सरकार ने तो पहल की है, आप लोग क्या कर रहे हो? सर पहल की है लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अगर दिखाई दे तो सर, तीन चार पाँच मार्च को 3 दिन चलने वाला है दिल्ली में, 3-4-5 मार्च को। ठीक है सर, दिल्ली में अगर 3-4 मार्च को चल रही है, हम चाह रहे हैं भाई हमारे आए हुए रमेश सिंह जी और उनके थ्रू जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचा के इस चीज़ को यहाँ बॉम्बे में पहले महाराष्ट्र लेवल में मल्टीप्लेक्स में किया जाए, उसके बाद आगे हम तैयारी करेंगे। मेरे अकेले से कुछ नहीं होता है सर, हमारे जितने भी प्रोड्यूसर भाई बंधु जितने लोग हैं, मैं चाहता हूँ सब मिल के अगर एक साथ में थोड़ी आवाज़ उठाने की मैंने कोशिश की है, अभी अगर आप चैनल में दिखा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके थ्रू आप लोग भी देखिए क्या होता है, यहाँ पे जातिवाद नहीं होता फिल्म लाइन में, फिल्म लाइन एक बिजनेस है, कोई जातिवाद पे नहीं जाना चाहिए और इसको कोई भी पॉलिटिकल मैटर में नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को अगर बढ़ावा देंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा बिजनेस के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, सारी चीज़ों में। सर, बाकी रमेश जी जो है चाहता हूँ कि थोड़ा कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगी सारी चीज़। तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते उनका कहना है नहीं, वो उसके लोग गलत नहीं, दोबारा एक घटना है खड़ा जी भाई, और मैं चाहूँगा इनसे पैसे से जो एक एसोसिएशन का लेटर दें, पूरे एसोसिएशन मिल के चल रहा, हम सीएम को देते उनसे निवेदन करते हैं भाई इस फिल्म को जो पूरी फिल्म को आगे बढ़ाया। इसके पहले जो पद्मावती के शूट भी हुआ अभी उसके बारे में, अरे ये चीज़ें गलत है जो करना है, करनी नहीं चाहिए, ठीक है उधर वो जो प्रोग्राम वो अपना कर रहा है, अगर कोई जाकर वहाँ पर लफड़ा कर रहा है कर तो गलत है, उसके ऊपर एक्शन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहोगी, आज 15 दिन से आप मेहनत कर रही हो भोजपुरी राजा के लिए, क्या कुछ शुभकामनाएं हैं आपकी? बस हमें यही है कि हमारा काम सही तरीके से पब्लिक तक पहुंच पाए और हमारी फिल्म मल्टीप्लेक्स में पूरे हिंदुस्तान में, और मैं वर्ल्ड टूर करके आई हूँ तो मेरे आउट ऑफ इंडिया में भी रिलीज हुए, आप लोग अगर मीडिया वाले साथ देंगे तो आउट ऑफ इंडिया तक ये मूवी पहुंच पाएगी और सुपर हिट हो पाएगी, क्योंकि जब तक मीडिया साथ नहीं देता है तो लोग ये समझते हैं कि भोजपुरी की कोई वैल्यू नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि वहाँ की चैनलों में भी मैं तो पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया जाके आई हूँ, मेरा सर्कल भी है, मैं कोशिश करूँगी कि अपनी ये मूवी आउट ऑफ इंडिया में भी सुपर डुपर हिट हो और इंडिया में भी हो, बस आप लोग का साथ चाहिए। थैंक यू। चल भाई रुक जाइए, चलो रुक। मोरे साहब क्या कहना चाहेंगे, इस फिल्म का आज मुहूर्त हुआ, आलो के शूटिंग भी हो रही है, क्या शुभकामनाएं हैं आपकी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि ये इस दीवानी जो पिक्चर है जिसका आज मुहूर्त हुआ है, इसको मैं आगे और ये इच्छा रखना चाहूँगा कि आगे ये मल्टीप्लेक्स से लेके हर जगह रिलीज हो जाए, जिसके चलते भोजपुरी मूवी को भी ये प्राधान्य मिले, जो प्राधान्य मराठी मूवी को आजकल हमारी सरकार दे रही है,
हमारे महाराष्ट्र के अंदर सभी तरह के लोग मुंबई शहर जैसी जगह रहते हैं, जहाँ भोजपुरी है, कलकत्ता से है, आसाम, उड़ीसा, नेपाल, हर जगह से है। तो अदर लैंग्वेज के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, जिसकी मूवी सिर्फ छोटे छोटे थिएटरों में यहाँ लगती है, जिसके चलते कोई फैमिली हिस्ट्री भी मूवी बनती है तो कोई जा नहीं पाता फैमिली को लेकर ऐसे थिएटरों में। तो मैं ये चाहूँगा कि इन मूवियों को भी मल्टीप्लेक्स के अंदर रिलीज़ किया जाए, जिसके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा तो डेवलपमेंट में ही काम आएगा। बात करें आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हो तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी है, तो क्या अपनी पार्टी की तरफ से इस चीज़ के लिए आप आवाज़ उठाओगे? ज़रूर उठाना चाहेंगे, इसके लिए मैं आगे पार्टी प्रमुख से भी बात करूँगा और इसका ये मुद्दा थोड़ा आगे तक बढ़ाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। इसके अलावा आपने प्रदीप शर्मा को अंदर करवाया था, वो बहुत बड़ा हादसा था, अभी उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? ये हमारे मित्र हैं गणेश अंगल जी, उनका इसमें ज़्यादा योगदान रहा, ये बात करना चाहेंगे। अभी ऐसा कोई है आपकी नज़र में जिसको? नहीं, एक्चुअली प्रदीप शर्मा जो केस है, ये महाराष्ट्र के अंदर जो एनकाउंटर चलते थे, मीन्स फेक एनकाउंटर के खिलाफ एक आवाज़ था, और हम लोगों पर्सनली प्रदीप शर्मा साहब के साथ कुछ उनके अगेंस्ट थे। ये टोटल जो पुलिस वाले जो गलत काम करते हैं उन पुलिस वालों के लिए था, और उसमें हम कामयाब हुए। हमने 2006 में मुहिम छेड़ी और 2009 में FIR लॉन्च हुआ, और हम लोगों को जजमेंट मिला, और कम से कम सिर्फ प्रदीप शर्मा से उनको छोड़कर बाकी लोगों को हमने सबको सज़ा दिलाई, और हमें उम्मीद है कि आगे जो हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है उसमें प्रदीप शर्मा के अगेंस्ट भी कुछ तो कुछ जरूर लिखे जाएंगे। और इस फिल्म के बारे में कुछ कहना? इस फिल्म के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ये हम लोग जॉइंट वेंचर, और भोजपुरी फिल्म क्यों नहीं मल्टीप्लेक्स में चलना चाहिए, इसके लिए हम चाहते हैं कि हम खुद इस पिक्चर को प्रोड्यूस करें और इस पिक्चर को मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ करना चाहिए। और अगर उस वक्त यहाँ की अगर मल्टीप्लेक्स वाले अगर फिल्म को रिलीज़ करने में नहीं देंगे तो हम उसके आगे मुहिम चलाएंगे। जैसे कि फिल्म का नाम है इश्क दीवाना, ये टाइटल बहुत ही प्यारा है और स्टोरी तो उससे भी ज़्यादा प्यारी है। स्टोरी का जो टाइटल दिया गया है वो फिल्म की स्टोरी को बिल्कुल मतलब डिस्क्राइब करती है जो टाइटल है, और बहुत ही अलग स्टोरी ली गई है। और जो है हमारे प्रोड्यूसर्स का इतना सपोर्ट है, डायरेक्टर्स का इतना सपोर्ट है कि ऐसा लगता है कि फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है। सीरियसली मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा बहुत ही अच्छा लगा, और मैं कहूँगी कि जब ये रिलीज़ होगी तो लोगों को बहुत ही प्यारा लगेगा, तो बहुत बहुत प्यार दीजिए आप लोग इस फिल्म को। आज मुहूर्त है, किस तरह का रोल है मनोज पांडे जी के साथ आपका? जी एज एन हीरो प्यारा से, बहुत ही प्यार से लव स्टोरी है, लव स्टोरी है, और जैसे कह सकते हैं ना एक मसाला मूवी है कि इसमें हर तरह की चीज़ें हैं, इस कॉमेडी भी है कहीं कहीं, कॉमेडी भी है कहीं कहीं, प्यार भी है और सब कुछ है। सो इट्स अ पैकेज जिसे कह सकते हैं, सही है, बहुत ही प्यार। पुराने लोग जुड़े हुए हैं, मैं यही सबको कहना चाहूँगा कि जो है जो भोजपुरी है, भोजपुरी के बारे में वापस एक बार मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि भोजपुरी से मैं बड़ा लगाव है, और सब फिल्म लाइन में ऐसा कोई वो नहीं है, भेदभाव नहीं है या किसी प्रकार का कुछ नहीं है, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। जैसे इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुजराती, मराठी, मतलब जितने भी कास्ट के लोग हैं जो इंडिया में है, जो जिसको हिंदुस्तान बोला जाता है, सारे लोग इसमें काम करते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। मैं चाह रहा हूं फिल्म में भी कोई प्रकार का भेदभाव नहीं रहे, और इसको आप लोग जितना भी कोशिश करके मल्टीप्लेक्स में, मैं यही बार बार बोलते आ रहा हूं, अभी भी यही बात बोलूंगा, बाकी का सारे लोग हैं, जनक भाई बहुत पुराने आदमी हैं, मैं जाता हूँ स्पॉट पर, अभी भी है बेचारे, कुछ बोलेंगे।
हाँ जी, मैं यहाँ मालूम सत्तर से मैं हूँ और अभी मैं ये एक्सपोर्ट भाई का काम कर रहा हूँ। बाकी सभी यहाँ पर जो भी फिल्म लाइन का है सभी काम करके मैं छोड़ दिया हूँ, लाइट से लेकर सभी। और अभी क्या है कि मैं बहुत मजबूरी से काम कर रहा हूँ क्योंकि अपने कोई कमाने वाला नहीं है। और दूसरे है क्या कि मैं ये पिक्चर जो बन रहा है, ये पहला ये पिक्चर जो है ना, मालूम है पिक्चर इतना हिट होगा, इतना हिट होगा कि आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि पिक्चर का कहानी बहुत बेस्ट है और हमारा ये भाई साहब है हमारा बहुत पुराने हैं और ये लेकर खड़ा होकर हुए हैं तो मैं इनके साथ में खड़ा हूँ बिंदास। अपने को पैसे का कोई नहीं, बल्कि हमारा इज्जत होना चाहिए, हमारा भाई का आगे बढ़ना चाहिए। क्या इसमें रॉकेट साइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ जी, क्यों हिट होगा? इसलिए है कि पिक्चर में मसाला बहुत है और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। और हमारा ये जो है राजकुमार जी के पिक्चर, मैंने बहुत पिक्चरों में काम किया, उनका लड़के हीरो हैं और हीरो जो हैं वो मालूम है वो इतना चमकेंगे कि शायद कोई चमक सके। चमके हुए, चकाचक है। हाँ जी, और दूसरा ये है कि पहले से अभी जो है नए नए सब भरे हुए हैं, उसमें अभी मजा आता नहीं काम करने में। तिवारी जी के साथ कैसा संबंध है? तिवारी जी का हमारा कम से कम कुछ नहीं तो आज कम से 40-45 साल का दोस्ती है। पहले इन्हें हमारा साथ में घूमते थे। तिवारी जी आपको रोल दे रहे हैं कि नहीं इस फिल्म में? हाँ, ये भी रोल कर रहे हैं, अभी प्रोड्यूसर भी हैं और अपना ये भी है। और एक हमारा भाई साहब वो हैं, वो जो लेखक हैं, सब कहानी बोलते हैं। ये पीछे आपके उनको बुलाना मांगता है, नहीं सुनते हैं पहले। हंसते खेलते हर काम कर जाता हूँ, बिकॉज कोई भी काम तब किया है जब उसकी जानकारी ले ली है। पहले मैं असिस्टेंट हुआ करता था, मेरे साथ रतन भाई हैं, लड्डन भाई हैं, वासु सर हैं। मम्मी मेरी माँ जो हैं, माता जी जो सेट पर आई हुई हुई हैं, उनका कहना है कि बेटा अगर उम्र से छोटे हो फिर भी बड़ा बनने का शौक़ रखते हो तो अपने से बड़ी उम्र वालों से दोस्ती कर लो। उम्र से नहीं लेकिन अनुभव से बड़े हो जाओगे, क्योंकि जहाँ अनुभव होता है वहाँ हार नहीं होती। और मैं नहीं चाहती मेरा मनोज कभी हारे। तो मैंने जब भी काम किया, पहले लोग अपने से जो बड़े हैं या छोटे हैं जिससे जो सीख पाया पहले सीखा। कहते हैं ना कि बोलने से पहले तोलो फिर बोलो, तो मैंने पहले तोला फिर बोला। ऐसे ही मैं काम भी करता हूं, तो पहले सोचता हूं, समझता हूं, सबकी राय लेता हूं, फिर काम करता हूं। इसमें मैं अकेला डायरेक्टर नहीं हूं, मेरी पूरी टीम डायरेक्शन दे रही है। आप लोगों ने देखा होगा फिल्म में डायरेक्टर का नाम भी लिखा है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय MRP ग्रुप। MRP ग्रुप का फुल फॉर्म है मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन ग्रुप। हमारा एक ही ध्येय है, हम अच्छी फिल्म दें, लोगों के पैसे वसूल हों, समाज में इसका मैसेज गलत ना जाए। जैसे आमिर खान जी हैं, राजा मौली जी हैं, उनको मैं बहुत लाइक करता हूँ। बाई नेचर मैं रजनीकांत जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट मेरा कंपटीशन भी उन्हीं से है, बट उनके काम से नहीं है, उनके नेचर से है। अगर उनको 250 लोग प्यार करते हैं तो मुझे 2500 लोग प्यार करने चाहिए। लोग कहते हैं रजनीकांत दादा बड़े प्यारे हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, तो मैं चाहता हूँ एक दिन ऐसा है जिस दिन वो मुझे खुद बुलाएं और कहें कि उस बच्चे को बुलाओ, मैं उसे अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। तो डायरेक्टिंग के साथ साथ एक्चुअली मैं एक्टर था नहीं, मेरे मास्टर जी हैं वासु सर। एक्चुअली हर बच्चे को एक्शन सीखने की एक उमंग होती है, तो मैंने गार्डन में देखा कि सर और भी स्टूडेंट थे उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। ये तकरीबन 14.5 साल हो गए इस बात को। तो मेरे पास पैसे नहीं थे और घर से उतनी छूट नहीं थी कि मैं एक्शन सीखूँ, बट सर के पास आया तो मैंने पूछा कि सर मैं भी सीख सकता हूँ। तो तुरंत कोई मास्टर तो किसी को वैल्यू नहीं देता, बट मास्टर जी ने मुझे फर्स्ट डे से ही वैल्यू दिया। आज तक मुझसे कोई फीस नहीं ली, यही सच है, कभी कोई फीस नहीं ली। मेरे आज कहते हैं मनोज जी आपके हाथ बहुत लगते हैं, ये सच है, मेरा हाथ बहुत लगता है, मैं बेसिकली बॉक्सर हूँ। तो वो जो भी देन है मेरे मास्टर की देन है, मुझे इन्होंने मेरी पॉकेट मनी से लेकर मुझे कहीं जाना भी होता था कभी मास्टर जी ने कोई पैसे नहीं लिए और मुझे हमेशा बच्चे की तरह प्यार किया। मुझे एक्टर बनने का शौक नहीं था। मेरे धर्म भाई हैं जो दूर से इशारे कर रहे हैं, आइए धर्म भाई इधर आइए, आप भी आइए। नहीं मैं कंप्लीट कर लूँ प्लीज सर। सर मैं बस दो लाइन बोल दूं। सो कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मेरे गुरु ने मुझे सही ज्ञान दिया जिसके चलते आज मैं डायरेक्शन भी कर पा रहा हूँ, एक्टिंग भी कर पा रहा हूँ। लोग कहते थे आप बहुत सुंदर दिखते हो, आप बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी करते हो, बेटा आप एक्टिंग करो। तो एक असिस्टेंट को उठाकर
एक्टर बना दिया गया, जैसे ऋतिक रोशन जी हैं, आमिर खान जी हैं। लोग कहते हैं कि अगर अच्छा असिस्टेंट हो तो अच्छा एक्टर होता है। राज कपूर जी छठे असिस्टेंट थे, मैंने भी छठे असिस्टेंट से शुरुआत की थी और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। किरदार की बात करें तो किस तरह का पिक्चर के अंदर इसकी मतलब दीवाना है लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहा। कैदी के रूप में नजर आ रहे हैं, बात क्या है सर? एक्चुअली क्या है, जो जितने अच्छे होते हैं ना उनके साथ यही होता है। देखिए राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, 14 साल वनवास झेलना पड़ा, ठीक है। राजा हरिश्चंद जी सत्यवादी थे, उनको भी झेलना ही पड़ा। और मैं भी कहीं ना कहीं लोग जानते हैं दारू शराब पीता नहीं, बड़ा सिंपल सा बंदा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मुझे भी उठाकर जेल में डाल दिया। इस फिल्म का जो किरदार है उसका नाम है राधे। एक ऐसा लड़का है जिसको गांव समाज सब प्यार करता है। कोई बच्चा रो रहा होता है तो लोग कहते हैं कि राधे प्लीज़ तू थोड़ा बात कर ले तो चुप हो जाएगा। वो बात करता है तो उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। एक ऐसा लड़का जिसको सब प्यार करते हैं, लिटरली एक ऐसी आंधी आती है, ऐसा तूफान आता है कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। जिसमें एक लाइन है कि इसके दिल पे क्या गुजरा अनजान क्या जाने, होता है प्यार में कितना दर्द वो नादान क्या जाने, हवा के साथ उड़ गया घर इस परिंदे का, कैसे बनाया था इसने घोंसला तूफान क्या जाने। तो इंसान अपना दर्द खुद ही समझता है। और ये कैरेक्टर जो है राधे, एक कहीं ना कहीं मास कैरेक्टर है। लोग चाहते हैं एक्शन हीरो, मैं एक्शन हीरो हूँ। तो उसका एक डायलॉग है कि राधे वहीं खड़ा होता है जहाँ मैटर बड़ा होता है। सलमान खान भी तेरे नाम में राधे का रोल किया था, कुछ इस तरह भी नजर आ रहे हैं सर? एक्चुअली सलमान भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ और अभी फ़िलहाल जो फिल्में करते हैं उसके बाद तो मैं उनका और बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। बिकॉज वो वही फिल्म करते हैं जिससे समाज में मैसेज अच्छा जाए। तो और रही बात राधे का, तो राधे तो यूनिवर्सल नेम है और हर फिल्म में कोई ना कोई नाम ऐसा ही चाहता है जिससे कि वन टाइम पे वो लड़का क्लिक हो जाए। और मुझे भी फेम होने का, अच्छा नाम हो मेरा, लोग मुझे पसंद करें, वो है। प्लस स्टोरी की डिमांड थी कि फिल्म में हीरो का नाम राधे हो। तो राधे आर से कुछ लगाव है क्या? राजकुमार पांडे आर आर सब कुछ है और कहा जाता है कि पांडे राजकुमार पांडे परिवार ब्रांड बन चुका है, तो इसलिए मनोज को ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, आसानी से काम मिल जाता है क्या? सर मैं बता दूं, पहले तो मैं सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हूँ, ठीक है। अगर कोई दशरथ जी के पुत्र राम जी थे, राम जी का बहुत बड़ा नाम था। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बिकॉज आपका सवाल बहुत हार्ड है, शायद मैं जवाब दे पाऊँ। राम जी का बहुत बड़ा नाम था, हर कोई जानता है, पर हमेशा एक ही रीत रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज भी रघुकुल जी की ही रीत चलती है, राम जी की रीत नहीं चलती, ठीक है। तो आर पांडे की जो बात बताऊँ मैं, तो आर पांडे मेरे पापा हैं जो कि डॉक्टर साहब हैं, जिनको मैं बड़े प्यार से डॉक्टर साहब कहता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। तो मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? उनका नाम है आर पांडे और बड़े भैया का नाम है आर आर पांडे, मैं आप लोगों को कन्फर्म कर दूँ। और मेरा नाम है मनोज आर पांडे, तो वो हो गए आर आर पांडे, पापा है आर पांडे और मेरा नाम है मनोज आर पांडे MRP। सो और ग्रुप का जो आप देखते हैं MRP ग्रुप, जिसमें जीव से मेरी मम्मा का नाम है, मेरा मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा तो मैं कुछ बड़ी चीज़ दिखाऊँगा। प्रवीण शायद मोबाइल फ़ोन मेरे पास नहीं है अभी, बट मैं दिखाऊँगा। उसमें जी है, बीच में रेड है, वो मेरी मम्मा के मांग का सिंदूर है और आर फॉर मेरे पापा है और ग्रुप से मेरा अपना ग्रुप है, इंडिविजुअली ग्रुप है। MRP ग्रुप का फुल फॉर्म है मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन्स ग्रुप, माय रियल प्रेजेंटेशन, माय रियल पैशन, माय रेगुलर पाथ, या कह लें माता रानी पार्टी, मेरे राम प्यारे, मोहम्मद रहीम पीर ग्रुप, माय रमज़ान प्राइड, या कह लें मोहम्मद मोहब्बत में रहना पड़ेगा। मनोज की बात करें तो मनोज जब भी बोलते हैं दूसरे को बोलने नहीं देते सर। एक्चुअली वो राजा क्या जिसकी लोग सुने ना। मनोज भाई ये फिल्म आप सेम लैंग्वेज में बना रहे हो, इसका क्या रीजन है? रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि हम अच्छे हैं और ये सब देखें। अगर मैं अपने घर में ही बैठा रहूँगा तो लोग नहीं देख पाएंगे, खुद को दिखाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। यही रीज़न है कि मेरी टीम बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया देखे और मैं देर से पैदा हूँ, मेरी गलती नहीं है। सर इसमें पहली बात तो पूरी टीम है और धीरे धीरे करके सारे चेहरे ऊपर आएंगे। इसमें धर्म पांडे जी हैं जो कि आज के पहले दिन ही नजर आए हैं। इनका नाम धर्म पांडे है, ये जथा नामे तथा गुड़े हैं, इनका नाम धर्म है और ये धर्म के प्रति बहुत, ये देखने में विलन लगते हैं पर ऐसे देखा जाए तो ये हनुमान जी हैं और ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं। अगर मुझे कहा जाए कि अच्छे इंसान का अवार्ड देना हो आप दोनों में तो किसको दोगे? और जज आप ही हैं तो मैं इन्हीं के हाथ में दे दूँगा। और पूरी टीम का कितना सहयोग रहा है आप बताइए। सर मैं बताऊं, आज मैं जो भी कुछ हूं, मैंने कहा एक कहावत है हमारे में कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। कोई मंत्री को देखा होगा ना आप लोग चेस खेलते हो, मंत्री आगे बढ़ता है तो किसी ना किसी प्यादे का सपोर्ट हो तो पूरे राज्य को तबाह कर देता है, बट अगर कोई सपोर्ट ना हो तो दुम दबा के भाग लेता है। तो अगर आज मेरी टीम नहीं होती तो मनोज आर पांडे ही नहीं होता। बादशाह जी क्या कहना चाहेंगे आप डायरेक्शन करके फाइट सिखा के कैसे
अच्छा फील कर रहे हैं और कितना कॉम्फर्ट रहा मनोज का आज को और मनोज को फाइटिंग करवाना कितना आसान है। पहली बात मुलाकात में इनको हुई थी, मैंने इनका देखा था, रूप देखा था। बेटा तेरा हाथ यहाँ नहीं है, ये तुम्हारा तो बहुत समझ के बाहर है बेटा, ये काम करो, तुम इधर से इधर उधर पटक मत, तुम्हारा इतना अच्छा खड़ा है तेरा हाथ में, अच्छी तरफ से मैं जो चीज़ बोलता हूँ वो पूरा तुरंत करके दिखाता है। बेटा यहाँ तू लेने के लायक नहीं, सीधा फिल्म लाइन में आ जा। उसको मैंने बोला ठीक है बेटा, तू पहले ये काम करो, असिस्टेंट में काम करो। असिस्टेंट में काम करा, असिस्टेंट में सीखा, राइटर बना। क्या पिक्चराइज कर रहे हैं, क्या सीन है? हम तो इनको प्राइवेट एकदम पर्सनल मास्टर है इनका, इनको उन्होंने मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ सिखाया है। जो फिल्म का मास्टर है अपना अपना मेरा दोस्त है लंदन भाई। मेरा मैं और रतन बोस असिस्टेंट में हम लोग जॉब कर रहे हैं। इसमें जो फाइट मास्टर है लंदन भाई, ये मेरा मित्र है। अब अपना तो हीरो है मनोज पांडे, इसको तो मैं बचपन से देखा हुआ। अब ये जो मेरा रतन बोस ये सब बताएगा सिर्फ फाइट एक्शन के बारे में। रतन जी आज सीन की बात करें, दिस इज अ हाँ जी, ये है एक लव स्टोरी के ऊपर है। तो इसमें दिखा है इज अ वेरी पावरफुल पर्सन, बहुत ही एकदम बोलता है ना एक फटके में किसी को सुलाना है, कुछ भी करना है, मगर जेल में आने के बाद एकदम नॉर्मल हो जाता है, एकदम चुप क्वाइट रहता है हर किसी को। तो यहाँ जिससे वो प्यार करते हैं, जिस लड़की से, उनकी तस्वीर इनके हाथ से खो जाती है और वो तस्वीर वार्डर के हाथ में गिरता है। तो वार्डर उस तस्वीर को साफ करते हुए, फूंक मारते हुए, तो इनको लगता है कि उस तस्वीर को ये किस कर रहे हैं। उस दरमियान इनका वो दिल मानता नहीं, रुकता नहीं है और वो दरवाज़ा तोड़ के बाहर आते हैं और यहाँ पे अपना एक्शन स्टार्ट होगा। यही है केबल दिखने वाला है। जी हाँ, केबल के तो है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, दो ही शॉट्स है, बाकी हमारे काम आउटडोर में है, दैट इज़ ऑन नेक्स्ट मंथ, हाँ बट आई कांट टेल यू नाउ। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इस फिल्म में आपने पूछा है तो बता दूँ मैं, बाहुबली में आपने देखा है कि पूरा लश्कर है, तो इसमें भी 500 का लश्कर होगा जिसके साथ आपका हीरो लड़ेगा और पूरा एक भरी हुई फिल्म है। 14 विलन है और हर किसी विलन का रोल छोटा बड़ा नहीं है, कोई मुंह देखी बात नहीं, सच्चाई यही है। तकरीबन 500 का क्राउड होगा जिससे आपका हीरो फाइट करेगा, ये सच है। जी ये फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, काम अच्छा हो रहा है सुबह से और आगे भी काम अच्छा ही होगा और कामयाबी मिलेगी मनोज जी को जरूर। क्या किरदार है इस पिक्चर में? फाइट मास्टर हूँ, एक्शन डायरेक्टर। किस तरह एक्शन? साउथ टाइप का एक्शन कर रहे हैं और वैसे ही करेंगे पूरी पिक्चर में, अच्छे में अच्छा करेंगे। सर इस फिल्म के बारे में बोलना चाहूँगा, ये फिल्म हमारे पूरे टीम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हाँ, और पूरी टीम ने 1.5-2 साल मिलके इस स्टोरी पे, डायलॉग पे, हर चीज़ पे बहुत मेहनत की है। पूरी टीम ही चाहती है कि हम अच्छा काम करें और हमारे जो चाहने वाले लोग हैं उनके तक हम अच्छी बात पहुँचाएँ, अच्छा मैसेज दें और एक अच्छी फिल्म आपके सामने पेश करें, यही हमारी है शुभकामना है हमारी पूरी टीम की, है ना। थैंक यू। पिक्चर के बारे में तो बताएंगे कि ये बहुत ही मतलब बम प्लेट, बहुत ब्लास्ट ही फिल्म है ये इतना ज़्यादा। और मनोज हमारे छोटे भाई हैं, मैं उनसे बड़ा हूँ, विजय आर पांडे, राजकुमार आर पांडे, विजय आर पांडे, मनोज आर पांडे, हम लोग इस लाइन में 3 भाई लोग हैं, एक हमारा भतीजा भी है। तो इस तरीके से और आज तक का मैंने देखा कितनी भी फिल्म मनोज ने किया, पर उनका जो अंदर की जो उनकी पोटेंशियल है, जो उनकी ताकत है, जो उनका पावर है, वो अभी तक किसी ने सही तरीके से मतलब उनका 100% कभी किसी ने निकाला नहीं। इस फिल्म में हम उम्मीद करते हैं इश्क दीवाना में उनके वो 100% हम लोग लाने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे इसको। फिलहाल तो अभी मुंबई में ही शूट हो रहा है, उसके बाद कोशिश करेंगे कि आउट ऑफ मुंबई जाने के लिए और कुछ हो सकेगा अगर बीच में तो अपने जैसे भोजपुरिया चीज़ है तो भोजपुरिया माटी को लाने के लिए, खुशबू लाने के लिए
गोंडा जाएंगे या बिहार भी जा सकते हैं इसके लिए फिर। तो एमआरपी मनोज जी बोले कि भी एमआरपी फिल्म से कई सारी पिक्चरें करने वाले जी, बताइए उसके बारे में कौन कौन सी पिक्चरें आने वाली है आप? पिक्चरें देखिए नाम तो मुझे उनका याद नहीं है क्योंकि इसकी तरफ तो नहीं है, लेकिन अभी कल ही उन्होंने 5 और नामों को उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उसका, जो बहुत ही अच्छे अच्छे फिल्म हैं, इससे भी मतलब और ब्लास्ट फिल्म कह सकते हैं। और आगे यही सोच है कि जितनी भी फिल्म बनाई जाए, जो भी बनाई जाए, एक से एक बढ़कर फिल्म बनाई जाए। और इसके दीवाना तो अपने आप में एक अलग ही है, जिस तरीके से आप लोग ने थोड़ी देर पहले अभी मनोज से क्वेश्चन भी किया था कि सलमान खान जी जो हैं उन्होंने बनाया राधे करके, उसमें उनका नाम भी था, इसमें भी इन करेक्टर में भी नाम राधे ही है। तो ये फिल्म में क्योंकि ये उनके फैन भी हैं तो कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि इस तरीके से मतलब कुछ चीज़ें को पेश की जाए, और कहानी कुछ इसी तरीके से इसकी दीवाना उसमें जो है, इसमें एक गाना भी है कि जब से राधे लड़की के चक्कर में ये हो मतलब पड़ गए तो राधे, कुछ ऐसे है मुझे जो याद नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी फिल्म है ये। एमआरके के मतलब कितनी एक्शन पिक्चरें मिलेगी जी? सॉरी, प्रोडक्शन की कितनी पिक्चरें आएगी इस एक्शन ग्रुप की? मनोज जी बोला है एमआरके पिक्चर की कई सारी पिक्चरें अभी जी रजिस्ट्रेशन करवाया है, नाम भी बताया नहीं ना, अभी तो वही मैंने बताया 5 फिल्में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, और इससे और भी बड़ी बड़ी नाम जो मतलब आगे आने वाले दिनों में आएगी। फिलहाल आज के लिए तो इसकी दीवाना जो है इसके ऊपर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और मनोज का 100% लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग वो चीज़ दिखा सकें जो आज तक मनोज का कभी कोई नहीं ला पाया, कोई भी डायरेक्टर नहीं ला पाया।